जय भीम साथियों, स्वागत है आपका द शूद्रा द न्यूज बी की इस खास पेशकश में। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जन्म जयंती है और उन्हीं की जयंती के जश्न के तौर पर दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। संसद मार्ग पर मैं मौजूद हूं और ये जो पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, लगातार लोगों का आना लगा हुआ और अपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन के जश्न के तौर पर यहाँ अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये पूरी पार्लियामेंट स्ट्रीट जो है, जो संसद मार्ग तक जाती है, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू है, वहाँ माल्यार्पण और वहाँ पर जो फूल चढ़ाते हैं लोग, बाबा साहब को नमन करते हैं, वहाँ पे भी हम आपको लेके जाएंगे। लेकिन अभी आपको मैं ये दिखाता हूँ कि यहाँ इस पार्लियामेंट स्ट्रीट पर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन से लोगों ने पंडाल लगाए हैं और किस तरह का यहाँ माहौल है, क्या जश्न का माहौल है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको मिलवाता चलूँगा लोगों से और बात भी करवाऊँगा कि कैसे लोगों ने पंडाल लगाए हैं, यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और लोगों को कहें कि बाबा साहब का दिन उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और उनकी जन्म जयंती एक बहुत बड़ा पर्व होता है, खासकर अंबेडकर समाज के लोगों के लिए, बाबा साहब के अनुयायियों के लिए एक बड़ा दिन होता है। और देखिए, हमारा बहुत प्यारा यूथ फॉर सोशल जस्टिस का पंडाल लगा हुआ है और जैसे ही मैं आया, मुझे ये पंडाल दिखा तो हमने इसे अपना लोकल अड्डा बना लिया कि यहीं पर हम अपना सामान भी रखेंगे और यहीं से जो है ऑपरेट भी करेंगे। सुरेंद्र भाई, बहुत बधाई और आपको नमन। थैंक यू सर। जय भीम सर। एक मिनट, बाबा साहब की जयंती है, कितना जोश है आप में? सर बहुत बहुत जोश है, क्योंकि इसके जोश के पीछे कारण है कि पिछले 2 साल से जयंती मनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये 19 के बाद अब मतलब 3 साल लगभग हो गया और 3 साल बाद जो एक हमारी जो अंदर की एनर्जी जो दबी हुई थी आज उभर के आ रही है, तो वो एक जो 3 गुना जोश ज़्यादा बन चुका है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि कम से कम इस साल ये प्रोग्राम तो हुआ। और मुझे आज मैं यहाँ देख रहा हूँ, लोगों का जोश बड़ा भयंकर हो रहा है जो यहाँ पा रहे हैं। बहुत काल में तो नहीं हो पाया था कार्यक्रम, तो लोग मिस कर रहे थे खासकर पार्लियामेंट स्ट्रीट को। तो इस बार आपने अपने पंडाल में क्या कुछ खास लगाई है, कृपया अपना पंडाल दिखाएं हमें। सर ये हमें आपको पंडाल दिखाता हूँ। पंडाल के अंदर पंडाल में हमारे यहाँ पर एजुकेशन अवेयरनेस हम काम प्रोग्राम कर रहे हैं। मणि जी बैठ जाइए। तो ये एजुकेशन अवेयर काम के और बेसिकली हम यहाँ पर जो जिस किसी को एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए हमारे यहाँ पर साथी सहयोगी वो बैठे हैं। अभी जैसे हमारे साथ डॉक्टर शंभू जी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मणि सागर जी हैं जो भगत सिंह कॉलेज एसोसिएशन प्रोफेसर हैं, धीरज हैं मास्टर कर रहे हैं, राजतन मास्टर कर रहे हैं, पूजा हैं जो कि फाइनल ईयर की स्टूडेंट है गार्गी से। तो बेसिकली हम सभी के काम है यहाँ पर एजुकेशन अवेयरनेस के बारे में, हमारे प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट्स MBA मिलके हमारे सब साथी इसी के बारे में बताएंगे, जो बाहर से जितने भी युवा आएंगे कि हमें फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं, तो उसी तरह हमारे जो प्रोफेसर और स्टूडेंट्स मिलके हम सबको अवेयर करने का हमारा ये प्लान है। ये तो बहुत बढ़िया है कि बाबा साहब ने कहा था ना शिक्षित बनो, तो आपने उसको बहुत सीरियसली लेके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी और अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी हो रहा है। यस सर, यस सर। उसको लेके भी जानकारी दे रहे हैं लोगों को? हाँ सर, उसकी पूरी जानकारी CUET के बारे में भी सबसे पहले, क्योंकि बेसिकली हमारा ये जो अपना अलग तरह पंडाल लगाने का यही उद्देश्य है। CUET के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, उसके बारे में बताने का प्लान भी वो भी हम कर रहे हैं सर यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है और शिक्षित बने ये बहुत जरूरी कार्यक्रम। हमारे मणि सागर प्रोफेसर, मणि साहब आज बाबा साहब की जयंती है तो कॉलेज छोड़ के इधर आ गए? नहीं, आज बाबा साहब की वजह से छुट्टी भी है, इसलिए तो यहाँ आना हमारा परम धर्म है, क्योंकि बाबा साहब ने जो बात कही थी, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो शिक्षा के मार्ग में जब हम स्टूडेंट थे तो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी गाइडेंस की, तो वहीं से सोचा था कि जब कुछ थोड़ा समझ चीज़ें समझ में आएगी तो हम लोग भी अपना एक गाइडेंस प्रोग्राम या एक गाइडेंस का ग्रुप बनाएंगे। वहीं से ये सोच शुरू हुई थी और ये यूथ फॉर सोशल जस्टिस का जन्म हुआ था। और आज हम यूनिवर्सिटी लेवल पर और इस तरह के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सभी जगह बच्चों को शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाएं और जो बेसिकली काउंसलिंग का काम हम लोग करते हैं, और अगर उनके साथ कोई भी इनजस्टिस का केस होता है तो हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। बढ़िया, और यूथ फॉर सोशल जस्टिस बहुत अहमियत रखता है ये संगठन और मेरे बहुत दिल के करीब है। बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपको इस पंडाल से आगे ले जाके बाकी लोगों से भी मिलवाता हूँ कि किस तरह के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। आप देखेंगे तमाम तरीके के जो संगठन हैं, जो कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो पब्लिकेशन हाउसेज हैं, उन्होंने अपने अपने यहाँ पर पंडाल लगाए हैं और सब ने अपने
बैनर पोस्टर लगाए हैं। देखिए बहुजन एकता मंच के तत्वाधान में ऑल इंडिया इनकम टैक्स SC ST कर्मचारी वेलफेयर, उधर उस तरफ आप देखेंगे तो सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। निःशुल्क बहुजन साहित्य वहाँ पर वितरण किया जा रहा है, उधर डॉक्टर अम्बेडकर टीचर सोसाइटी, तो हर कोई जो भी संगठन जो बाबा साहब को अपना आदर्श मानता है, जो बहुजन नायकों के प्रति अपनी आस्था रखता है, उनके प्रति सम्मान रखता है, वो तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपने पंडाल लगाए हैं और कोशिश कर रहे हैं लोग यहाँ पर कि आज बाबा साहब की जयंती है तो उसका जश्न मनाया जाए, अलग अलग कार्यक्रम किए जाएँ। और संसद मार्ग पर, क्योंकि बाबा साहब की वहाँ पर प्रतिमा है संसद के अंदर, तो वहाँ पर भी लोग जाके जो हैं नमन करते हैं, अपना माल्यार्पण करते हैं। और आप देखेंगे तो तमाम जो लोग हैं वो आते जाते रहते हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो लोग आ रहे हैं, जश्न है, जय भीम के नारों के साथ जो हैं लोग आ रहे हैं और जय भीम के नारे लगाते हुए। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? जोधपुर से। दिल्ली से ही आए हैं? हाँ। तो कहाँ जा रहे हैं अभी? संसद भवन। पार्लियामेंट में जा रहे हैं बाबा साहब के, तो कैसा जोश है जयंती को लेके? बहुत जोश है। एक बार जय भीम बोल दीजिए। जय भीम, जय भीम। देखिए बाबा साहब के जो बच्चे हैं, जो अनुयायी हैं, उनका जोश बहुत आई है। और बाबा साहब के जयंती, क्योंकि 3 साल से ये कार्यक्रम हो नहीं रहा था, कोविड था, कोरोना काल में इस तरह के कार्यक्रमों पर पाबंदी लगी हुई थी, तो 3 साल का वो जो कहें, जैसा सुरेंद्र कह रहे थे कि वो जोश बचा हुआ था, अब 3 गुना हो गया, बाहर आया है और लोग बाबा साहब को नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके प्रति अपना जो धन्यवाद है वो करने के लिए लोग आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हैं, बौद्ध धर्म के भी आप देखेंगे तो बनते भिक्खु तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए। जोश जो है वो देखने लायक है। आप आएँ यहाँ पर तो एकदम आपको बहुत खुशी होगी और एकदम आपका कहें कि भाई जोश हाई हो जाएगा देख के कि हाँ, जिस व्यक्ति की वजह से आज हमारी जो गिनती है वो इंसानों में होती है, उनकी वजह से हमारा आज़ाद वजूद है, जिन्होंने हमें पढ़ने लिखने, अपनी जीवन में कुछ करने, संपत्ति अर्जित करने, मानवाधिकारों के साथ संवैधानिक अधिकारों की गारंटी दी, भारत का संविधान बनाया जिसमें न्याय, समता और बंधुता की गारंटी दी और सबको बराबरी का दर्जा दिया और तमाम जो मनुवादी कानून थे, जो प्रथाएं थी, जो संहिताएं थी, उनको एक कलम से दरकिनार कर दिया, उनको काट दिया और संविधान के तौर पर बाबा साहब ने सबको बराबरी और सम्मान का अधिकार दिया। तो ये जय भीम क्या नाम है भाई साहब? विपिन कुमार भास्कर। विपिन, बाबा साहब के दर्शन के लिए आए हैं? जी मैं पहले ही कर लिया, 8 बजे से पहले ही कर लिया। अरे वाह। और मैं पहले सुबह से बहुत आई एम वेरी एक्साइटेड एट दिस मीट दिस बाबा साहब। I'm the fan. Great, great. तो देखिए अभी लोग जो हैं, थैंक यू लोग जो हैं वो आ रहे हैं, मिल रहे हैं और बाबा साहब के प्रति, क्योंकि अभी आगे पंडाल है तो वहाँ जाएंगे। इस तरफ भी आप देखेंगे तो तमाम जो लोग हैं वो पंडाल लगाए हुए हैं और बाबा साहब को याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इधर आप देखेंगे तो गौतम बुक सेंटर दिल्ली बाबा साहब का, क्योंकि जो साहित्य है, बहुजन साहित्य, उसकी बिक्री के लिए भी जो प्रतीक हैं, जो मालाएँ हैं, जो कहें कि उनकी प्रतिमाएँ हैं, उसको लेके भी यहाँ पर बड़े बड़े इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको कुछ वो दिखाता हूँ, बहुजन साहित्य जो प्रतिमाएं हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इधर देखेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तमाम यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं, महात्मा बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और किताबें और जो कुछ स्टेशनरी से जुड़े हुए आइटम हैं, जो सोवनियर्स हैं, उसका भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। इधर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा और उधर आप देखिए बाबा साहब के सम्मान में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ते और बाबा साहब के जयकारे लगाते हुए। कहां से आए हैं आप? तो बाबा साहब का जन्मदिन है, कैसे मनाएंगे जन्मदिन? बाबा साहब धूमधाम से मनाएंगे। धूमधाम से बढ़िया करके। आप लोग भी साथ में? हाँ, हम भी लोनी से आए हैं सभी। हाँ, सभी हमारे परिवार और गांव के ही हैं सभी लोग। गांव के परिवार के सब लोग हैं। कुछ लड़कियों से हम बात करेंगे। क्या नाम है? नीति। नीति, बाबा साहब का जन्मदिन है तो कैसा जोश है, खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश हैं। कैसे मना रहे हैं? बहुत खुशी से मना रहे हैं। तो एक बार जय भीम बोल दीजिए सब। जय भीम, जय भीम, जय भीम।
जोश आप देख सकते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब तेरा नाम रहेगा, और बाबा साहब के तमाम कामों को याद करते हुए उनको ध्यान में रखते हुए लोग जो हैं वो आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं पंडाल की तरफ, जो हैं लोग अपना रुक किए हुए हैं क्योंकि वहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज याद कर रहे हैं सब लोग, बहुत शुक्रिया, सब लोग याद कर रहे हैं और बाबा साहब की जो विरासत है उसका जश्न मना रहे हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलता हूँ, ये आप देखेंगे इस तरफ तो बहुत लंबी लाइन लगी है और ये सब लोग जो हैं ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूर्ति लगी हुई है संसद में, जिसमें वो हाथ उठा के इशारा करते हैं कि सत्ता के केंद्र तक पहुंचिए, वो उस मूर्ति पर नमन करने के लिए, और जो उनकी हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है जिनके परिवार के लोग अभी हमें मिले वो लोग भी हैं, ये सब लाइन लगी हुई है, ये आगे संसद मार्ग पे आगे जाने वाले हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, एक एक करके एंट्री की जा रही है, जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। अंदर भी मैं आपको लेके चलूँगा, उस पर एक अलग वीडियो हम करते हैं जिसमें हम अंदर जाएंगे और वहाँ पे भी दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर लोगों का जो जोश है वो देखने लायक है, बहुत ज़्यादा जोश है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और क्योंकि 2-3 साल से कोविड के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, लोग बहुत इसको मिस कर रहे थे, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है खासकर संसद मार्ग का जो बाबा साहब के जन्म उत्सव पर ये कार्यक्रम होता है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा लोग इसको लेके उत्साहित रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने बाबा साहब को याद करने का, अपने लोगों से मिलने का, अपनी विरासत को जानने का, बहुजन साहित्य प्रतीकों की खरीदारी करने का मौका मिलता है, तो उसको लेके लोगों में उत्साह देखने लायक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी मैं अलग अलग आपको रंग दिखाऊँगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म उत्सव के, आपको सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में इतना ही, अंदर भी हम संसद के लेकर चलेंगे, वहाँ से भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।